हेलो गाइस, मैं सौरभ शर्मा, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो गाइस, जो आप वीडियो आप देख रहे हो ना, ऑलमोस्ट लाइक बताए 100 दिन बाकी है, ऑलमोस्ट 100 दिन बाकी है नीट 2020 आने में। अब आप बोलोगे नहीं भैया, अभी तो और 10-15 दिन और बाकी है। तो गाइज, आज मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट 116 दिन बाकी है, 116 डेज लेफ्ट फॉर नीट 2020। अब बारी आती है भैया, नीट 2020 आ रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ नहीं आ रहा। तो भैया आप ये वीडियो लेके आओ, इसमें लिखा है #NEETMotivation। प्रॉब्लम क्या होती है, देखो हमारा है ना प्रिपरेशन सही चलता रहता है, बीच में क्या होता है डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, फिर क्या होता है भाई कि एक होता है ना सीरीज चलने लग जाती है, फिर कि भैया ऐसे डाउनफॉल होने लगता है, डाउनफॉल होने लगता है। सो गाइज, उसको हमको इम्प्रूव करना है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है वो बताऊंगा। एंड गाइज, एक और चीज बताऊंगा कि भैया जिनके अंदर जो है ना कैलकुलेशन का पावर कमजोर है ना, उनको मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि भैया अभी भी पॉसिबल है। यस, इट्स ऑल्सो पॉसिबल नाउ। भाई बोलते हैं ना कि भाई अभी भी पॉसिबल है, ठीक है, ये सीधी सी बात है यार। अब बोलोगे कैसे पॉसिबल है भैया, लेट मी एक्सप्लेन। थोड़ा सा अगर वीडियो देख रहे हो ना, थोड़ा लंबा हो सकता है या शॉर्ट रहेगा, डोंट वरी, बस आप लोग ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। फिजिक्स में कितने चैप्टर, चलो मैं ऑलमोस्ट, आप बोलोगे भैया 30, 31, 32, जो भी पकड़ना पकड़ लो, मैं पकड़ लिया चलो 35 अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम कर लिया, ठीक है नहीं 35, 31 है ऑलमोस्ट, ठीक है चलो मैं 35 एक राउंड फिगर पकड़ा, ठीक है। एंड उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में तो 30 है, चलिए मैं 30 को उसको लॉक कर दिया, 35, 30 ऑलमोस्ट पकड़ लो, चलो मैं उसको भी डिवाइड कर लिया, 70 चैप्टर्स मान लिया, 70 चैप्टर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के, जबकि है नहीं उससे कम है, ऑलमोस्ट 60-65 हो जाते हैं, लेकिन मैं पकड़ लिया 70 चैप्टर्स। अब मेरे को एक लॉजिक बताओ, एक चैप्टर एक दिन में फिनिश हो सकता है या नहीं हो सकता है? अब इसमें अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं हो सकता, तो मैं जस्ट उससे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्लास 11-12 में पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा होगा, चैप्टर का नाम पता होगा, उससे रिलेटेड फॉर्मूला पता होगा, याद नहीं भाई पता होगा, मतलब अगर पता है ना कि ये इस चैप्टर से है तो भी काम हो जाएगा। आपको इतना नहीं लॉजिक लगाना है कि भैया मेरे को तो कुछ ही नहीं आता, नहीं 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 वो सब नहीं कर रहा है। एंड गाइस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, एवरीथिंग भाई सब हो जाएगा, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए उसके लिए। अभी मैं क्या बोला, 70 डेज, भाई 70 डेज में तुम्हारा फिजिक्स और केम हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। एंड और क्या चीज, अब तुम बोलोगे भैया बायो कैसे करेंगे, एक बात बताओ, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। एंड गाइस, अभी जो ऐसा समय आ चुका है ना जिसमें आपको 12-13 आवर्स तो मतलब एट पार पढ़ना ही पड़ेगा यार, बिना 12-13 घंटा पढ़े 14 घंटा पढ़े नहीं होगा। आप बोलोगे भैया 12-13 कैसे पॉसिबल है, प्रैक्टिकल भैया बताइए, प्रैक्टिकल बात, तो मैं भी प्रैक्टिकल बताता हूँ। 8 आवर्स ज्यादा हो गए सोने के, 6 आवर्स या 6.3 आवर्स मतलब 6.5 आवर्स बोलते हैं, 6.5 घंटे सो गए, तो भाई साहब बचे तुम्हारे पास, मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 6.5 घंटे सो लिए, आधे घंटे भाई तुम लेट उठते हो, चलो आधा घंटा लग गया उठने में, तो बच गया 7 घंटे, 7 घंटे खत्म आपके, ठीक है एक दिन का 7 घंटा खत्म, 1 घंटा लगा आपको फ्रेशन अप होने का, जो भी भाई बाथरूम जाते हो सब कुछ हो गया, एंड 1 घंटे खाना खाने का 1 घंटा मतलब पूरा दिन का पकड़ रहा है भाई, एक बार खाना खाने बैठते हो कितना टाइम लगता है, हार्डली 15 मिनट लगता है अगर सही से खाने बैठो। एक दिन में कितना बार खाओगे, 3 बार खाओगे मैक्सिमम, बड़ा जो मील होता है उसमें 15 मिनट लगता है, और जो स्नैक्स चलते रहते हैं वो पढ़ाई के साथ चलते रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बारी आती है भैया आपका 7 आवर्स वहां खत्म, 1 आवर्स नहाने का, 1 आवर्स वहां, कितना हो गया 7, 8, 9, और 1 घंटा रेस्ट ले लो यार, रेस्ट ले लो, बीच में जो ब्रेक लगता है ब्रेक लगा लिया, कितने घंटे हुए, 10 घंटे हुए, अभी भी हमारे पास 14 आवर्स है। एंड मैं तो आपको बोल रहा हूँ 12-13 घंटा पढ़ने, 14 तो बोल भी नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि भाई अपने आप है ना बोलते हैं ये पॉजिटिव फीडबैक का साइकिल चलेगा, जैसे धीरे धीरे जैसे टाइम आते जाएगा ना आपके अंदर दबाव बढ़ते जाएगा, आप वो 12 को खुद ही 14 कर लोगे। तो गाइस क्यों ना अभी से हम लोग हैबिट डालें, अगर अभी से हम लोग हैबिट डालेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। पिछले साल भी यही हुआ था, बहुत बच्चे मेरे से बोले थे भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं ट्राई किया उनको बताने का कि भैया आप ऐसे करिए तो बेटर रहेगा। तो आपको भी ये बता रहा हूँ, देखो यार 70 डेज है, उसमें आप बोलोगे भैया फिजिक्स तो कर रहा है, मैं डेली एक चैप्टर कर रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, जो वीडियो मोटिवेट हो जाते हैं ना, जो वीडियो देख के कि भैया हाँ मजा हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो सकता है मेरा पॉसिबल है, अभी भी हो सकता है, लेकिन वो क्या करते हैं वीडियो देख के सबसे इजी चैप्टर उठाते हैं, कौन सा, मैं बता रहा हूँ, पहला चैप्टर वेक्टर, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वेक्टर्स उठा लेंगे या स्ट्रक्चर ऑफ एटम उठा लेंगे या क्लास 12 का सॉलिड स्टेट उठा लेंगे। सो गाइस वो ना करके बेटर रहेगा, अभी आप वीडियो देख के जा रहे हो, कुछ अच्छा चैप्टर उठाओ ना जिसको आपको आते ही है, एग्जाम्पल आप या इक्विलिब्रियम उठा लो केमिस्ट्री में, या फिजिक्स में आप रोटेशनल उठा लो, या फिजिक्स में आप कुछ और उठा लो यार, वेव्स उठा लो, ऑसिलेशन उठा लो, वो उठा लो, नहीं तो फिजिक्स में आप जाके मॉडर्न फिजिक्स पकड़ लो, कुछ ऐसा पकड़ो ना जो आपके लिए फ्रूटफुल हो, ये नहीं कि 100 बार पढ़ा हुआ चैप्टर वापस आप वही चीज पढ़ोगे, तो कुछ बोलते ना प्रॉफिट नहीं होने वाला यार,
वो मोटिवेशन से पहले भी पढ़ने वाले थे, मोटिवेशन के बाद भी वही पढ़ोगे तो क्या फायदा है सर? इसमें तो कोई फायदा ही नहीं दिख रहा। अभी जो मैं कैलकुलेशन करवा रहा हूँ एकदम प्रैक्टिकल कैलकुलेशन, एक दिन में मैं बोल रहा हूँ चलो आज आज से स्टार्ट करते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं, 100 दिन हम रफ पकड़ते हैं, रफ पकड़ते हैं 100 दिन, 100 दिन रफ पकड़ा है, उसमें आपको 70 डेज का हिसाब दे रहा हूँ ना, आपको 70 चैप्टर्स भी नहीं है, क्या करोगे आप बीच में? अब 70 डेज है, आप बोल रहे हो भैया 70 डेज है उसमें 70 चैप्टर्स भी नहीं है, कुछ कुछ चैप्टर लेंदी हो सकता है, कैसे डिवाइड करेंगे हम अपना? मान लो आज हम दे दिए फिजिक्स डे, आज हम दे दिए फिजिक्स, ये जीरो लेवल वालों के लिए है, ये जीरो लेवल वालों के लिए है। इसमें दो रास्ते हैं भाई, देख दो रास्ते हैं, डेली आप फिजिक्स के हम लेके चल सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, डेली आप एक दिन फिजिक्स एक दिन केम, बायो चलते रहेगा, ये कर सकते हो। जिनके जो जीरो लेवल पे उनके लिए बात कर रहा हूं, जिससे कि भाई इंप्रूव हो पाए आपका मार्क्स, आपका मार्क्स इंप्रूव हो पाए। कैसे करोगे? मान लो आपका जो नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है उसमें जो जो फिजिक्स केम के चैप्टर आ रहे हैं, सपोज जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना एलन आकाश की ज्वाइन करके रखते हैं, और एलन का मेजर बहुत लोग ज्वाइन करके रखते हैं, तो उनका अभी शायद 19th को आ रहा है, 19 जनवरी को उनका सिलेबस आ रहा है क्लास 11th का फुल, तो वो कैसे फिनिश करोगे यार? 11th का फुल आता नहीं है, मैं जानता हूं आपको नहीं आता, आप पढ़े लिखे नहीं हो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मार्क्स बोलते हैं, मार्क्स कितने आ रहे हैं, कम आ रहे हैं ना, उस पर वीडियो आएगी, डोंट वरी, तो सब्सक्राइब कर लेना, जो करना है कर लेना, वो और आगे मैं नहीं जानता। उसके बाद मैं क्या बोल रहा था, आप क्लास 11th का भाई पूरा नहीं खत्म कर सकते हो, 60% खत्म कर सकते हो, 60% खत्म करके चलो, अगर आप 60% भी फिनिश कर लेते हो ना यार, तो आपका टेस्ट में रहेगा कि भैया फिजिक्स में जो आपके 40 मार्क्स आ रहे थे, 30 आ रहे थे, एटलीस्ट वो 90 तो आएंगे, 180 में 90 तो आएंगे भाई। 60% अगर अच्छे से खत्म कर रहे हो तो मैं तो आपको मार्क्स सिर्फ 50% का ही जोड़ रहा हूँ, 180 में 90 आ सकते हैं भाई, आ सकते हैं, पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है। फिजिक्स में क्लास 11 के जो जो चैप्टर आ रहे हैं सॉर्ट आउट करो, जो आपको नहीं आता उसको पहले करो बेटर, ठीक है, वीडियो देखने के बाद पहले उन चैप्टर्स को करना। अभी मैं क्या बोल रहा था, अब आप देखो क्या होता है ना, एक दिन में बच्चे बोलते हैं नहीं सर हम सैचुरेटेड हो जाते हैं, भाई अभी सैचुरेशन करने से नहीं काम चलेगा, ये तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 डेज ऑफ लाइफ है यार, बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास सिर्फ 100 दिन है, नहीं तो फिर अगले साल वापस तुम इन 100 दिन के वीडियो देखते रहोगे। सो गाइस बेटर रहेगा कि इसी साल क्लियर कर लो, तो नेक्स्ट ईयर आपको ये 100 दिन वाला वापस कंसेप्ट ना देखना पड़े। एंड आप किसके लिए उदास हो, फर्स्ट एमबी के लिए उदास हो कि भैया फर्स्ट सेमेस्टर आ रहा है, फर्स्ट एमबी आ रहा है, एमबी मतलब एमबीबीएस में उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, उसके लिए उदास हो ना कि यार ये नीट के लिए वापस उदास हो। मैं भी वही चाहूंगा कि उस समय भी हम मिले, क्योंकि भैया तुम्हारा भाई भी एमबीबीएस कर रहा है, तुम भी एमबीबीएस पे आओगे, डेफिनेटली आने वाले यार। ओके सो गाइस अब क्या बारी आती है हमारी, हमारी बारी आती है कि भैया आप बता रहे थे ना अभी कुछ फिजिक्स में क्या करना है, एक दिन में मान लो एक चैप्टर उठा लिया, केमिस्ट्री का लॉक कर लिया, फिर उसको आधा किया, केमिस्ट्री का आधा किया, कितने कितने घंटे बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, बताता हूं मैं, बताता हूं, 5 घंटे 5 घंटे कितने हो गए, 10 घंटे हो गए ना, 10 घंटे हो गए, 2 घंटे बायोलॉजी के देना, यार बायोलॉजी सब पढ़ते हो यार, बायोलॉजी में किसी को प्रॉब्लम ही नहीं आती है, सारा बायो ही ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि बहुत ईजी है। अब बारी आती है बायो में भी, बहुत बच्चे बोलते हैं भैया एनसीईआरटी के बाहर कौन सा चैप्टर जाए, उस पर भी वीडियो आ जाएगी अपडेटेड वन की, भैया देखिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत लोग बताते हैं कि भैया बाहर जाना है इस चैप्टर में, लेकिन कहां से जाना है कैसे जाना है वो नहीं बताते हैं, वो भी वीडियो आएगी, डोंट वरी। अब मैं क्या बोल रहा था कि आप लॉक कर लिए, मान लीजिए आज के लिए मैंने लॉक किया, सपोज आज और कल का प्लान बनाया मैंने, मैंने क्या किया, मैं फिजिक्स का एक लॉक कर लिया, मान लो मैं थर्मोडायनेमिक्स लॉक किया फिजिक्स वाला, ठीक है फिजिक्स वाला लॉक कर लिया, एंड केमिस्ट्री में मैं क्या किया, मैं केमिस्ट्री में पी ब्लॉक उठा लिया, सपोज मैं पी ब्लॉक उठा लिया। अब मेरे को क्या करना है, मैं आज स्टार्ट किया 5 घंटे देखा पढ़ने का, मैं पढ़ने के लिए 5 घंटे डिवाइड किया, उसमें पढ़ लिया थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ लिया, और उधर थोड़ा सा पी ब्लॉक पढ़ लिया 10 घंटे हो गए, अभी भी मेरे पास 2 घंटे बाकी है, याद है मैं 12 घंटे का हिसाब बैठा रहा था, 12 से 13.5 मतलब चलेगा, चलेगा ना ये तो चलेगा। अब जो 2 घंटे बाकी है भाई, उसमें बायो का एक चैप्टर रीडिंग दे सकते हो, आराम से रीडिंग दे सकते हो, मान लो आज अगर आपने रीडिंग दिया उस चैप्टर को, कल उसके एमसीक्यूज कर लोगे, तो बायो में 38 चैप्टर्स है सर, बायो में 38 है, कुछ कुछ ऐसे चैप्टर जो एक रीडिंग देने के बाद आपका पढ़ा हुआ है, तो गाइस बायो भी आपका ऑलमोस्ट 70 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका सिलेबस कितने में खत्म हो गया, 70 डेज में। अब आप कोई बच्चा बोलेगा नहीं हुआ भैया, उसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियोस लेके आऊंगा कि भैया फिजिक्स की आप ऐसे ऐसे करो, इस चैप्टर को इतना दिन दो, खत्म होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, एंड केमिस्ट्री का भी सेम, एंड बायो के बारे में मैं कुछ एमसीक्यूज अपलोड करने वाला हूँ आप सभी के लिए, सो गाइस डोंट वरी फॉर दैट। एंड अब बारी आती है भाई पॉसिबल तो दिखा दिया आपने, अपने पॉसिबल तो दिखा दिया, लेकिन हमारा रिविजन का क्या, हमारा रिविजन का क्या भाई? 70 डेज में यहाँ कैलकुलेट करवाया हूँ ना, यहाँ 70 डेज कैलकुलेट करवाया हूँ, अभी भी तो मेरे पास और 30 डेज बाकी है, उसमें अचार थोड़ी डालना है यार, उसमें तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने है ना, उन जो 30 डेज है ना उसको यहाँ पे मिक्स कर देते, थोड़ा सा को मिक्स करते हैं। 70 डेज था, हर 10 डे के बाद अगर मैं 11th डे पे ब्रेक लेके रिविजन करूं,
हर 11th डे पे अगर मैं ब्रेक लेके जो बाकी 10 डेज का जो मेरा हुआ था गाइस अगर मैं उसको रिवीजन करूं तो बेटर रहेगा ना मेरा। देखो वो भी चल रहा है, रिवीजन भी चल रहा है, और मेरा क्या चल रहा है सर, एक सेकंड चल, उसके बाद क्या होता है रिवीजन चल रहा है हमारा, और भी भाई क्या चीज की प्रॉब्लम फिर। तो कितने दिन हो गए, 80 दिन खत्म हो गए, अब लास्ट के बचेंगे 20 दिन भाई। पेपर लगाओ यार, पेपर लगाओ, कहानी खत्म 20 दिन में, कितना पढ़ोगे। तो देखो तुम्हारा रिवीजन भी हो गया हर 10 दिन के बाद, क्योंकि भाई पुश करना पड़ेगा, यू हैव टू पुश योरसेल्फ बियॉन्ड द लिमिट्स। जितना तुम सोचते हो ना कि भैया नहीं हो सकता नहीं हो सकता, उतना ही ज्यादा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा एंड आपकी सीट चल जाएगी। सो गाइस बेटर रहेगा फाइट फॉर योर सीट, एंड गाइस यू नो ना कि भैया ये जो फाइट है ना वर्थ इट होने वाली है। ऐसी नहीं है कि भाई कि अगर नहीं लड़ोगे तो बोलोगे नहीं जिंदगी में बहुत कुछ है, ये है वो है, भाई वो एक्सक्यूज देने वाले लोग होते हैं। बेटर रहेगा फाइट करिए, सीट निकालिए एंड एंजॉय करिए लाइफ। सो गाइस टिल देन कीप लर्निंग कीप हसलिंग, एंड गाइस सारे सोशल मीडिया के लिंक्स फॉलो कर लेना, उसमें क्या होता है मैं आपको वहां पे भी गाइड कर सकता हूँ, वहां पे आपके जो क्वेरीज होते हैं ट्राई करता हूँ मैं वहां रिप्लाई देने का। इंस्टाग्राम टेलीग्राम डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट देता रहता हूँ कि अभी ये वीडियो आने वाली है, आपके जो सजेशन रहते हैं उसके हिसाब से मैं करता हूँ काम। एंड गाइस लास्ट थिंग और कि भाई अगर मैं बायो के क्या कर रहा हूँ एमसीक्यूज डालूंगा, एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ जो एमसीक्यूज होते हैं ना पेपर्स के, मैं वो अपलोड करने वाला हूँ। सो उनका भी अगर मजे चाहिए, बेसिकली सबको चाहिए रहता है क्वेश्चंस कि भैया ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, इनका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, वो सारी वीडियोस भी आने वाली हैं। तब तक के लिए आप फॉलो कर लेना जल्दी से। ये जो जनवरी और फरवरी है ना बोलते हैं, अब ये जो लास्ट का महीना है ना ये आपका भैया आपके साथ रहेगा, सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग मिलके कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस चैप्टर से ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है, सब कुछ आने वाले। सो गाइस यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग, लाइक मैं इतने बार ये बोल चुका हूं ये लाइन कि भैया आपको वरी करने की दरकार नहीं है भाई, बस जाके तुम पढ़ाई करो, जाके तुम अभी से स्टार्ट हो जाओ। ये जो प्लान जो दिमाग में चल रहा है ना, इसका वीडियो अगर प्रॉपर चाहिए ना, मैं 2-3 दिन में अपलोड कर दे रहा हूँ, 2-3 दिन में अपलोड कर दे रहा हूँ, मिल जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया अल्टीमेटली, इसमें क्या बताया, पॉसिबल है, आप कर सकते हो। देखो प्रैक्टिकलिटी सोचो ना, तो बोलते हैं प्रैक्टिकल, भैया प्रैक्टिकल बातें किया करो, प्रैक्टिकल बात करके ही बोल रहा हूँ, पॉसिबल है, वापस बोल रहा हूँ पॉसिबल है। अगर स्टार्ट करो ना अपने आप को, बोलते एक स्टार्टअप दो, बोलते एक स्टार्टअप दे के देखो, डेफिनेटली पूरा होगा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, सो गाइस अगर जो यहां तक आए हो टिल देन भाई थैंक यू सो मच, इतना मेहनत करके यहां तक आए हो। मैं लास्ट में एक बात बता दे रहा हूँ सबके लिए, भाई लड़के देखो ना, पहले क्यों हार मान ले रहे हो भैया, नहीं हुआ, पहले एक बार फाइट करके देखो, क्या पता भाई तुम्हारे साथ जो कॉम्पिटिटर हो वो भी हार मान के बैठे हो, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ के बैठे हो, तो बेटर रहेगा तुम हार मत मानो, तुम ज्यादा पढ़ लो ना उनसे यार, सीट निकालिए, किसे कॉम्पिटिशन करना है, कोई एलियन से क्या, हमारे जैसे दिखने वाले से तो कॉम्पिटिशन करना है, कर लेंगे यार, कर लेंगे, हो जाएगा। टिल देन भाई साहब पढ़ लेना बस, और कुछ नहीं बोलूंगा, आगे वीडियोस नेक्स्ट आती रहेंगी, उसके लिए चैनल फॉलो कर लेना, चैनल पे मतलब सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, बेल आइकन दबा दोगे तो लाइक जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।